हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड सब्सक्राइबर्स, टुडेज पार्ट थर्ड, लेसन 7, इवोल्यूशन, हार्डी विनबर प्रिंसिपल। एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आता है हार्डी विनबर प्रिंसिपल। देखें, हार्डी विनबर प्रिंसिपल को ड्राइव करने के लिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ इज इक्वल टू 1। तो इसको हम इजीली हम जो हैं ड्राइव करेंगे। देखें, द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ एलीली इन ए पॉपुलेशन रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इन ए पॉपुलेशन ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हार्डी विनबर प्रिंसिपल। तो इसको समझ लें कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सभी में जनरेशन टू जनरेशन जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है जीन की, एलीली की, वो हमेशा कांस्टेंट होती है। तो यह है हार्डी विनबर प्रिंसिपल। एक बार मैं और बता देता हूँ, इसको इस तरीके से लिखेंगे, द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ एलीली इन ए पॉपुलेशन रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इन ए पॉपुलेशन ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। तो इसको ड्राइव करने के लिए देखें, द इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज आर टर्म्ड एज पी एंड क्यू। इंडिविजुअल की फ्रीक्वेंसी है पी एंड क्यू। इफ इन ए डाइप्लॉयड ऑर्गेनिज्म द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलीली इज कैपिटल ए और स्मॉल ए। तो देखें, जो स्मॉल ऊपर हमने देख रहे हैं, जो स्मॉल पी और क्यू है, उसकी जीन एलीली फ्रीक्वेंसी पी जो है वो ए से, कैपिटल ए से, और क्यू जो है वो स्मॉल ए से रिलेशन रखेगा। तो अब देखते हैं यहाँ पर, द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन इज पी स्क्वायर। जैसे कि मैंने बताया था कि पी की रिलेशन ए से है, ठीक। तो हम यहाँ जब दो बार कैपिटल ए लिख रहे हैं तो यहाँ पर पी स्क्वायर आ गया। इसी तरीके से अब देखेंगे आगे, इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ए फॉर इंडिविजुअल द पॉपुलेशन क्यू स्क्वायर। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि क्यू का रिलेशन स्मॉल ए से है, तो यहाँ पर देखेंगे हम स्मॉल ए है, तो स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी आ गई क्यू स्क्वायर। अब देखते हैं यहाँ पर, द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए स्मॉल ए इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन। अब एक बार कैपिटल ए स्मॉल ए है, तब यहाँ पर आ जाएगा 2PQ। अब तीनों का सम ले लेंगे, द सम ऑफ कैपिटल ए कॉमा स्मॉल ए कॉमा कैपिटल ए स्मॉल ए इंडिविजुअल। तो इसकी जो वैल्यू यहाँ पर हमारी आई थी पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ, इन तीनों का सम कर देंगे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ इज इक्वल टू 1 कॉन्स्टेंट। तो ये हो गया हमारा हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल का डेरिवेशन, जो मैंने आप लोगों को यहाँ बता दिया है। इसको आप लोग समझ गए होंगे कि जनरेशन टू जनरेशन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में जीन की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कांस्टेंट रहती है सेम स्पीसीज में। अब देखते हैं हम आगे, फाउंडर इफेक्ट ध्यान से सुने, द चेंज इन एलीली फ्रीक्वेंसी इज सो डिफरेंट इन द न्यू सैम्पल ऑफ पॉपुलेशन एंड दे फॉर्म द डिफरेंट स्पीसीज ड्यू टू फॉलोइंग फैक्टर्स कॉल्ड फाउंडर इफेक्ट। वो फाउंडर इफेक्ट हैं, जैसे इफेक्ट, फाउंडर इफेक्ट, वो 5 फैक्टर हैं जो कि जीन की फ्रीक्वेंसीज को चेंज कर सकते हैं, जैसे
नंबर वन म्यूटेशन, नंबर टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन, नंबर थ्री नेचुरल सिलेक्शन, नंबर फोर जीन माइग्रेशन, नंबर फाइव जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो ये पांच ऐसे फैक्टर हैं जिससे जीन की फ्रीक्वेंसीज जनरेशन टू जनरेशन चेंज हो सकती हैं। इसी को हम फाउंडर इफेक्ट कहते हैं। तो फाउंडर इफेक्ट को एक बार ध्यान से फिर दोबारा से सुन लें। द चेंज इन एलीली फ्रीक्वेंसी इज सो डिफरेंट इन द न्यू सैंपल ऑफ पॉपुलेशन एंड फॉर्म डिफरेंट स्पीसीज ड्यू टू फॉलोइंग फैक्टर इज कॉल्ड फाउंडर इफेक्ट। ओके, अब हम देखते हैं साल्टेशन। साल्टेशन मीनिंग सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन इज कॉल्ड साल्टेशन। अकॉर्डिंग टू डार्विन न्यू स्पीसीज फॉर्मेशन इज ए वेरी स्लो प्रोसेस। डार्विन ने ये बताया था कि नई स्पीसीज बनने में एक बहुत स्लो प्रोसेस है, इसमें काफ़ी लंबा समय हज़ारों साल लग जाते हैं। बट अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डी वेरेस ए न्यू स्पीसीज इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सडन इफेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ दीज थ्योरी इज कॉल्ड साल्टेशन। मतलब डार्विन के अकॉर्डिंग नई स्पीसीज बनने में हज़ारों साल लग जाते हैं, लेकिन ह्यूगो डी वेरेस के अकॉर्डिंग म्यूटेशन में सडन एक इफेक्ट होने की वजह से एक नया कैरेक्टर डेवलप हो जाता है और एक नई स्पीसीज बन जाती है। तो इन्हीं के कंपैरिजन को हम यहाँ पर साल्टेशन कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे अडेप्टिव रेडिएशन, ये भी एग्ज़ाम में बहुत आता है। द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट फंक्शनल स्ट्रक्चर फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्ट्रल फॉर्म इज नोन एज अडेप्टिव रेडिएशन। दोबारा सुने, द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट फंक्शनल स्ट्रक्चर फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्ट्रल फॉर्म इज नोन एज अडेप्टिव रेडिएशन। देखें, अडेप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल है जैसे डार्विन फिंचेस। एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ डार्विन वेंट टू गैलापागोस आइलैंड ही ऑब्जर्व ए स्मॉल बीक बर्ड कॉल्ड डार्विन फिंचेस। ही रियलाइज्ड दैट देयर वर मैनी वेराइटीज इन द सेम फिंचेस बर्ड अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग हैबिट्स लाइक कार्निवोरस इंसेक्टिवोरस। वुड कटर एंड फ्रूट ईटर। मतलब ये कि डार्विन ने ये देखा कि जो वहाँ पर एक छोटी चोंच वाली जो बर्ड थी वो अपनी फीडिंग हैबिट के हिसाब से अलग अलग तरीके से मॉडिफाइड हो गई। उसमें कुछ बर्ड्स जो थीं वो फ्रूट ईटर थीं, कुछ वुड कटर की तरह काम कर रही थीं, कुछ इंसेक्ट्स को खाती थीं और कुछ जो है कार्निवोरस नेचर की थीं, फ्लैश ईटर थीं। तो उनकी फीडिंग हैबिट्स के हिसाब से उनकी बीक के अंदर चेंजेस आए। तो ये था एग्जांपल अडेप्टिव रेडिएशन का। अडेप्टिव रेडिएशन, सिग्निफिकेंस ऑफ अडेप्टिव रेडिएशन, इट इज़ हेल्पफुल इन मैक्रो इवोल्यूशन विच डिवाइड्स इनटू मैनी न्यू ग्रुप्स। अब देखें नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन का एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन, तो ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो नेचुरल सिलेक्शन के लिए सबसे पहले आप लोग एक पीक ये बनाएंगे इधर, तो यहाँ लिखेंगे फीनोटाइप फेवर्ड बाई नेचुरल सिलेक्शन, और इधर लिखेंगे मीडियम साइज इंडिविजुअल आर फेवर्ड। पहले ये बना लेंगे, एक पीक बना लेंगे सेंटर में। इसके बाद यहाँ पर
इसकी तीन टाइप होती है नेचुरल सिलेक्शन की। इस्टेब्लिशिंग में पीक सेट्स हायर एंड नैरोअर। तो हम देख रहे हैं इसमें जो पीक है वो हायर और नैरोअर है, तो इस तरीके का जो नेचुरल सिलेक्शन है उसे कहेंगे स्टेबलाइजिंग। तो ये स्टेबलाइजिंग का डायग्राम हो जाएगा। इसके बाद सेकंड नंबर हम देखते हैं यहाँ पर पीक शिफ्ट इन वन डायरेक्शन। इसमें थोड़ा सा पीक को वन डायरेक्शन में शिफ्ट होते हुए दिखा देंगे, दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्शनल। इसके बाद तीसरी फॉर्म है, इसमें हम देखते हैं डिसरप्टिव। डिसरप्टिव में हम देख रहे हैं दो पीक बन जाती हैं, तो टू पीक्स फॉर्म। तो इस तरीके से नेचुरल सिलेक्शन तीन तरीके का हो गया। इसके अकॉर्डिंग पहला देखें, नेचुरल सिलेक्शन में पहले तो हम ये डायग्राम बनाएंगे, इसको ध्यान से देख लें। इस डायग्राम के बाद इसकी तीन फॉर्म हो गई नेचुरल सिलेक्शन की, ये डायग्राम इस्टेब्लिशिंग, ये इस्टेब्लिशिंग का डायग्राम हो गया। इसके बाद दूसरा डायग्राम डायरेक्शनल का हो गया, ये देख लें ध्यान से डायरेक्शनल का डायग्राम। इसके बाद तीसरा यहाँ पर डिसरप्टिव हो गया, जिसमें टू पीक्स फॉर्म होती हैं। डायग्राम बहुत ध्यान से देख लें, अगर डायग्राम में कोई प्रॉब्लम होती है तो NCERT की बुक में ये तीनों डायग्राम दिए हुए हैं, इसको आप लोग बना लोगे। वैसे तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को समझा दिया है। तो नेचुरल सिलेक्शन देखें, नेचुरल सिलेक्शन द प्रोसेस इन विच हेरिटेबल वेरिएशन मेक द स्पीसीज बेटर फॉर देयर सर्वाइवल इज कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। इट इज़ ऑफ थ्री टाइप। इस्टेब्लिशिंग में लिखेंगे इन दिस प्रोसेस मोर इंडिविजुअल एक्वायर फॉर नेचुरल सिलेक्शन। इसके बाद देखें डायरेक्शनल, इन दिस प्रोसेस मोर इंडिविजुअल एक्वायर द अदर रिसोर्सेज फॉर देयर सर्वाइवल। ये लिख देंगे डायरेक्शनल में। डिसरप्टिव में लिखेंगे इन दिस प्रोसेस इंडिविजुअल एक्वायर पेरीफरल कैरेक्टर। ये लिख देंगे डिसरप्टिव में। इफ दिस क्वेश्चन कम इन एग्जाम इट कम्स इन 3 marks। सो नेचुरल सिलेक्शन का मेन डायग्राम बनाकर उसके तीन डिवीजन बनाते हुए डायरेक्शनल लिख देंगे, इस्टेब्लिशिंग नंबर वन, नंबर टू डायरेक्शनल और नंबर थ्री डिसरप्टिव यहाँ दिखा देंगे। अब इसके बाद आता है इवोल्यूशनरी टाइम स्केल। तो देखें इवोल्यूशनरी टाइम स्केल, जैसे हम देखते हैं कि जब से अर्थ बनी है तब से अब तक टाइम जो उनको टाइम पीरियड के हिसाब से अर्थ को 5 era में टाइम को इवोल्यूशनरी टाइम स्केल को 5 era में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है आर्कियोजोइक, नंबर वन आर्कियोजोइक एरा, इसमें कहेंगे हम ओरिजिन ऑफ अर्थ। देखें नंबर टू प्रोटीरोजोइक एरा ऑक्सीजन बीइंग एक्यूमुलेटेड इन द एटमॉस्फेयर ड्यू टू फोटोसिंथेसिस बाय प्रोटिस्ट प्लांट। तो ये हो गया सेकंड प्रोटीरोजोइक। इसके बाद थर्ड देखेंगे पैलियोजोइक एरा इट कंटेन्स 6 epoch, यानी पैलियोजोइक एरा के 6 जो हैं इपोक थे। तो इपोक में नंबर वन परमियन, PERMIAN परमियन मैराइन इन्वर्टिब्रेट्स एक्सटिंक्शन। कार्बोनीफेरस में लिखेंगे रेप्टाइल एंड एम्फीबियंस, इट इज़ द टाइम ऑफ रेप्टाइल एंड एम्फीबियंस। डिवोनियन में लिखेंगे जॉर्ड फिश ओरिजिनेटेड सिल्यूरियन, SILURIAN सिल्यूरियन में लिखेंगे जॉलेस वर्टिब्रेट्स एंड वास्कुलर प्लांट, इट इज़ द टाइम ऑफ जॉलेस वर्टिब्रेट एंड वास्कुलर प्लांट। ऑर्डिविशियन ORDIVICIAN जॉलेस वर्टिब्रेट्स। इसके बाद कैम्ब्रिन में लिखेंगे सिंपल इनवर्टिब्रेट्स ओरिजिन। तो अभी हमने देखा जो पैलियोजोइक एरा है उसके यहाँ पर 6 epoch थे, परमियन कार्बोनीफेरस डिवोनियन सिल्यूरियन एंड ऑर्डिविशियन एंड कैम्ब्रिन। अब इसके बाद अगला युग जो आता है फोर्थ मीज़ोजोइक एरा रेप्टेलियन एरा कहलाता है, डायनासोर जो थे वो इसी में बने थे, इट इज़ द एरा ऑफ रेप्टाइल। इसके तीन पार्ट हैं ट्राइएसिक जुरैसिक एंड क्रिटेशियस। तो
तो देखें ट्राइएसिक में लिखेंगे डेवलप्ड फर्स्ट टाइम डायनासोर, जुरासिक रेप्टाइल्स डोमिनेंट डायनासोर्स, यानी जुरासिक पीरियड में डायनासोर्स डोमिनेंटली हो गए थे अर्थ में, सब जगह पर डायनासोर्स थे, हवा में, पानी में, कोई ऐसा प्लेस नहीं था जहाँ डायनासोर्स नहीं थे जुरासिक टाइम में। फिर एक नेचुरल डिसास्टर आई क्रिटेशियस पीरियड में और यहाँ पर एक्सटिंक्शन ऑफ जाइंट रेप्टाइल्स एंड ड्यू टू नेचुरल डिसास्टर, तो क्रिटेशियस में डायनासोर्स का खात्मा होना शुरू हो गया। अब इसके बाद फिफ्थ जो टाइम है वो है सीनोजोइक। सीनोजोइक को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया, पीरियड वन और पीरियड टू। तो देखें पीरियड वन टर्शरी, पीरियड वन टर्शरी और पीरियड टू क्वार्टरनरी। तो देखें टर्शरी में यहाँ पर आएगा प्लायोसीन, फॉर्मेशन ऑफ मॉडर्न मैमल, इसमें लिखेंगे मायोसीन में MIOSCENE मैमल्स एंड एप्स, ओलिगोसीन में मंकी एंड एप ओलिगोसीन, इसके बाद ईओसीन EOSCENE प्रेजेंट मैमल्स एंड प्रेजेंट मैमल विथ प्लेसेंटा, और प्लायोसीन में फर्स्ट प्राइमेट। तो ये हो गए हमारे पीरियड वन में टर्शरी के प्लायोसीन, मायोसीन, ओलिगोसीन, ईओसीन एंड पैलियोसीन। अब इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर क्वार्टरनरी, पीरियड टू में क्वार्टरनरी, तो प्लेस्टियोसीन एक्सटिंक्शन ऑफ जाइंट मैमल्स एंड प्रेजेंट टाइम। तो यानी इस समय बायोलॉजिकल टाइम स्केल के हिसाब से सीनोजोइक का पीरियड टू चल रहा है, क्वार्टरनरी का पीरियड टू चल रहा है, और बाकी का हम देख चुके हैं। अब एक बार और ध्यान से देख लें, सीनोजोइक के दो ग्रुप हैं, पीरियड वन पीरियड टू। पीरियड वन में टर्शरी को यहाँ पर हमने इतने ग्रुप में डिवाइड किया गया है जिसमें प्लायोसीन, मायोसीन, ओलिगोसीन, ईओसीन और पैलियोसीन, और क्वार्टरनरी को हमने यहाँ पर प्लिस्टोसीन और प्रेजेंट में डिवाइड किया है। तो इस तरीके से जो बायोलॉजिकल टाइम स्केल, एवोल्यूशनरी टाइम स्केल यहाँ पर हो गया। एग्ज़ाम में ये आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, लेकिन NCERT में दिया है तो हमें तैयार करना ही पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन। देखें ह्यूमन इवोल्यूशन के लिए इस तरीके से आप लोग चार्ट बना लेंगे और इसको तैयार करेंगे। सबसे पहले हम देखें सबसे पुराना जो हमें ह्यूमन का एंसेस्टर, ह्यूमन एंसेस्टर का जो फॉसिल मिला उसका नाम था ड्रायोपिथिकस। देखें ड्रायोपिथिकस, इसका टाइम था 20 से 25 मिलियन ईयर एगो, माया मतलब मिलियन ईयर एगो। जेनरेटिव फीचर्स में आ गए एप लाइक हेयरी, एट सॉफ्ट फ्रूट्स एंड लीव्स, आर्म्स एंड लेग्स ऑफ सेम लेंथ एंड लार्ज ब्रेन, ये इसके फीचर्स हो गए। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा रामापिथिकस। रामापिथिकस टाइम ऑफ ओरिजिन है इसका 14-15 मिलियन ईयर एगो। जनरल फीचर्स में मोर मैन लाइक, वॉक्ड मोर इरेक्ट, टीथ लाइक मॉडर्न मैन। इसके बाद थर्ड आता है ऑस्ट्रेलोपिथिकस, द फर्स्ट एप मैन 2 मिलियन ईयर एगो। इसके फीचर्स देख लें, प्रोबेबली लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीका ग्रासलैंड एंड एट फ्रूट्स, हंटेड विद स्टोन्स वेपन्स, ब्रेन कैपेसिटी वॉज 400-600 क्रीनियल कैपेसिटी CC। इसके बाद आता है होमो हैबिलिस हैंडी मैन। इसका जो टाइम पीरियड है इसका 1.2-1.5 मिलियन ईयर एगो। जनरल फीचर्स फॉसिल फाउंड इन ईस्ट अफ्रीका, फर्स्ट होमोनेट ह्यूमन बीइंग लाइक, ब्रेन कैपेसिटी 650-800 CC एंड डिडंट ईट मीट। ये ही वो ऐसा फॉसिल है होमो हैबिलिस जिसने कभी भी मीट नहीं खाया। इसके बाद आता है होमो इरेक्टस जावा मैन। होमो इरेक्टस को जावा मैन कहते हैं, 1.5 मिलियन ईयर एगो। इसके जनरल फीचर्स में देखेंगे फॉसिल फाउंड इन जावा,
1891, brain capacity is 900 cc, probably ate meat, यानी इसने मीट खाया था. इसके बाद हम देखते हैं होमोसेपियंस नियंडरथेलिस प्रिमिटिव मैन. इसका टाइम पीरियड है 1,40,000 years ago. इसके फीचर्स देख लें, नोन एज नियंडरथल मैन, फॉसिल फाउंड इन ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया, ब्रेन साइजेस 1400 cc, यूज्ड हाइड टू प्रोटेक्ट बॉडी, बरीड देयर डेड एंड दे बिकेम एक्सटिंक्ट 25,000 years ago. इसके बाद आता है होमोसेपियंस मॉडर्न मैन. टाइम पीरियड है इसका 75,000 से 10,000 years ago. इसके फीचर्स देख लें, एरोज इन अफ्रीका, डेवलप्ड केव आर्ट अराउंड 18,000 years ago, एग्रीकल्चर स्टार्टेड अराउंड 10,000 years back, एंड दस ह्यूमन सेटलमेंट एंड सिविलाइजेशन स्टार्टेड. तो इस तरीके से हम देख रहे हैं ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया. सबसे पुराना फॉसिल जो हमें मिला वो था ड्रायोपिथिकस. इस तरीके से याद कर लेंगे, ह्यूमन एंसेस्टर लिखेंगे एक साइड में, टाइम ओरिजिन लिखेंगे और जनरल फीचर्स लिखेंगे. तो ड्रायोपिथिकस पहला हो गया, रामापिथिकस, उसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथिकस, स्पेलिंग देख लें ऑस्ट्रेलोपिथिकस, उसके बाद होमो हैबिलिस, इसके बाद होमो इरेक्टस, इसके बाद होमोसेपियंस के बाद लास्ट आ गया होमोसेपियंस मॉडर्न मैन. तो इस तरीके से हमारा ह्यूमन इवोल्यूशन कंप्लीट और हमारे एंसेस्टर हो गए. अब इसके बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चन देता हूँ इस चैप्टर के. तो इस चैप्टर के क्वेश्चन सब ध्यान से सुन लें. क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन इवोल्यूशन एंड प्रूफ इट विद द हेल्प ऑफ एविडेंसेस. नंबर 1, कनेक्टिंग लिंक. नंबर 2, वेस्टिजियल ऑर्गन. नंबर 3, बाय फॉसिल. नंबर 4, बाय होमोलॉजस ऑर्गन. नंबर 5, बाय एनालॉजस ऑर्गन. नंबर 6, बाय एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस. क्वेश्चन नंबर 2, राइट ब्रीफ अबाउट AI ओपेरिन थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन स्टैनले मिलर एक्सपेरिमेंट विद डायग्राम. क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन डार्विनिज्म. क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन लैमार्किज्म. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज स्पेसिएशन एंड इट्स टाइप विद एग्जांपल. क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल एंड ड्राइव्ड इट. इसको ड्राइव करेंगे p² + q² + 2pq = 1 विद फाउंडर इफेक्ट. जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ इसको ड्राइव करने का तरीका और फाउंडर इफेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज अडैप्टिव रेडिएशन एंड एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन नेचुरल सिलेक्शन एंड इट्स टाइप विद मेकिंग डायग्राम. मैंने आप लोगों को बताया था नेचुरल सिलेक्शन में कि इसमें 3 तरीके के पीक वाला डायग्राम बनाएंगे, जिसमें मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, इलस्ट्रेट इवोल्यूशनरी टाइम स्केल विद एग्जांपल. ये मैंने आप लोगों को बता दिया 5 जो हैं हमारे टाइम स्केल के हिसाब से एरा हैं और प्रेजेंटली सीनोजोइक चल रहा है. इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, इलस्ट्रेट द ह्यूमन इवोल्यूशन विद फीचर्स. तो अभी मैं आप लोगों को बता चुका कि ह्यूमन इवोल्यूशन और इसके ओरिजिन और इसके फीचर्स, ये मैं समझता हूँ आप लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे. और यहाँ पर लेसन 7 में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो है हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल फाउंडर इफेक्ट. इसी तरीके से डार्विनिज्म, लैमार्किज्म अब नहीं आता एग्ज़ाम में. लैमार्किज्म को बोर्ड ने, CBSE ने कम कर दिया है, लेकिन डार्विनिज्म आता है. स्टैनले मिलर मैंने आप लोगों को बता दिया, एविडेंसेस मैंने आप लोगों को बता दिए. ये सारे एविडेंसेस आप लोगों को बनाने हैं इवोल्यूशन के एविडेंसेस. AI ओपेरिन की केमिकल थ्योरी पूछ सकते हैं केमिकल इवोल्यूशन की,
AI operin की थ्योरी पूछ सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर इसके सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैंने आप लोगों को दे दिए हैं। आई थिंक ऑल ऑफ यू विल प्रिपेयर योर नोट्स वेरी वेल एंड प्रिपेयर योर वर्क विद फुल कॉन्फिडेंस एंड लर्न ऑल दीज क्वेश्चंस। डेफिनेटली यू विल गेट गुड मार्क्स इन द एग्जाम्स। ओके, थैंक यू।